तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त है प्रीतम। प्यारे दोस्तों, जब हरियाणा सरकार ने नई बीपीएल और आयुष्मान की सूची जारी की, उस लिस्ट में आपका नाम नहीं आया। या फिर दोस्तों, जो आपका पहले राशन कार्ड बना हुआ था, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, ओपीएच हो, बीपीएल हो, या फिर वो एवाई यानी गुलाबी राशन कार्ड हो, कोई भी आपका राशन कार्ड था, वह किसी कारण से काट दिया गया। और इसके लिए दोस्तों अपने परिवार पहचान पत्र के शिकायत पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत लगवा दी। लेकिन दोस्तों, अभी तक जो आपकी शिकायत है वो आपको पेंडिंग दिख रही है, यानी कि दोस्तों आपकी जो शिकायत है वो पास नहीं हुई है, अप्रूव्ड नहीं हुई है। और जो आपका एक्शन स्टेटस आप देख पा रहे हैं, एक्शन के अंदर लिखा हुआ आ रहा है मार्क टू PPPHO टैग। और जब दोस्तों एक्शन रिमार्क्स आप देख रहे हैं तो आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है फैमिली आईडी सेंड टू फर्दर इनकम वेरिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इसके बारे में देते हैं संपूर्ण जानकारी कि आपकी जो ग्रीवेंस है वो अप्रूव कब तक होगी और कब तक जो आपका राशन कार्ड है वो बना दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने शिकायत लगवा दी है राशन कार्ड या आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए, लेकिन दोस्तों आपके सामने अगर इस प्रकार का स्टेटस दिखा रहा है, तो चलिए आपको पूरी इसकी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, जब आप अपनी शिकायत का एक्शन स्टेटस देखते हैं तो दोस्तों आपके सामने इस प्रकार लिखा हुआ आ रहा है मार्क टू PPPHO टैग। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं फैमिली आईडी, ये जो आपकी एक्शन रिमार्क्स है इसमें लिखा हुआ आ रहा है फैमिली आईडी सेंट फॉर फर्दर इनकम वेरिफिकेशन। और दोस्तों आप देख भी सकते हैं ये जो ग्रीवेंस है वो 28 जनवरी को लगाई गई थी और इस पर जो एक्शन लिया गया है डिपार्टमेंट द्वारा वो लिया गया है 12 फरवरी को। और दोस्तों ये जो आपको स्टेटस दिख रहा है इसका मतलब है कि दोस्तों ये जो फैमिली आईडी है मार्क कर ली गई है और टेक्निकल टीम के पास भेजी गई है और टेक्निकल टीम को इस पर ऑर्डर दिया गया है कि जो इस फैमिली आईडी की वेरिफिकेशन है वो दोबारा से एक बार की जाए, यानी एक बार चेक किया जाए, क्रॉस चेक किया जाए कि इस परिवार की इनकम इतनी वास्तव में है या नहीं, कितनी दोस्तों आपकी जितनी फैमिली आईडी में वेरीफाई है। और दोस्तों ये प्रोसेस तभी होती है जब आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से कम है और कोई भी एक्सक्लूसिव रीजन ऐड नहीं है। दोस्तों पहले डिपार्टमेंट डायरेक्ट अप्रूव कर देता था अगर आपकी इनकम कम है और एक्सक्लूजन रीजन ऐड नहीं है, तो दोस्तों डायरेक्ट आपकी ग्रीवेंस है वो अप्रूव हो जाती थी। और ऐसी कोई समस्या आती थी, इनकम ज्यादा होती थी या एक्सक्लूजन रीजन होता था फैमिली आईडी के अंदर, तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन दोस्तों अब थर्ड स्टेप लिया जा रहा है और डिपार्टमेंट इस पर एक और यानी फर्दर वेरिफिकेशन करवा रहा है टेक्निकल टीम द्वारा। और जो टेक्निकल टीम है वो आपके पास कॉल करेगी, बाकायदा कॉल करेगी और पूछेगी कि आपकी इनकम कितनी है, किस माध्यम से आपकी कमाई होती है, कमाई का जरिया क्या है, सोर्स क्या है, आपके पास पशु कितने हैं, आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन ली जाएगी और पता किया जाएगा, पता करने की कोशिश की जाएगी कि आपकी कमाई का जरिया क्या है, कितना आप कमाते हैं, कितनी आपकी इनकम है, कितनी सैलरी है, किस माध्यम से आप अपने परिवार को चलाते हैं, गुजारा करते हैं। तो दोस्तों ये इनकम वेरिफिकेशन, जो फर्दर इनकम वेरिफिकेशन है वो यही है कि दोबारा से एक बार डिपार्टमेंट क्रॉस चेक करवा रहा है टेक्निकल टीम द्वारा, आपके पास कॉल करवा के या पता करवा के कि आपकी जितनी आपकी फैमिली आईडी में इनकम वेरीफाई हुई है उतनी वास्तव में है या नहीं, ताकि जो लाभार्थी हैं, जो सही में लाभार्थी हैं, जो योग्य हैं, पात्र हैं, उन परिवारों को ही बीपीएल और आयुष्मान का लाभ मिल सके। क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा मात्रा में जो ग्रीवेंस है वो लगाई गई है, डिपार्टमेंट पहले डायरेक्ट वेरीफाई कर रहा था, लेकिन दोस्तों डिपार्टमेंट का ये काम सराहनीय है कि एक बार डिपार्टमेंट इसे क्रॉस चेक कर रहा है ताकि जो पात्र परिवार हैं उन तक योजना का लाभ पहुंच सके। तो दोस्तों आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार जब डिपार्टमेंट आपके पास कॉल कर लेगा यानी जो टीम है आपके पास कॉल करेगी और कॉल होने के बाद कुछ दिन में जब ये टीम आपकी जो रिपोर्ट है फैमिली आईडी की वो सबमिट कर देगी, उसके बाद जो आपका स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा, डिपार्टमेंट इस पर एक्शन ले लेगा। अगर दोस्तों आप द्वारा जानकारी जो दी जाती है उसमें अगर आपकी इनकम कम पाई जाती है तो दोस्तों आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो जाएगी, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों बस इसका इतना ही मतलब है कि जो फैमिली आईडी हो टेक्निकल टीम को भेजी गई है, मार्क की गई है और दोस्तों फिर टीम आपके पास कॉल करेगी फर्दर इनकम वेरिफिकेशन के लिए, एक बार फिर से इनकम की जांच करेगी। बस दोस्तों इस स्टेटस का इतना ही मतलब है और जैसे ही जांच करते हैं तो आपकी जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर देगी। सबमिट करते ही अगर आपकी इनकम कम पाई जाती है तो सभी स्रोतों से अगर आपकी इनकम कम हो गई, क्योंकि दोस्तों आपकी फैमिली आईडी में इनकम वेरीफाई कम है और एक्सक्लूजन रीजन भी नहीं है, 81 से
की आपकी इनकम अगर कम या 81 तक वेरीफाई होती फैमिली आईडी में होती है, एक्सक्लूजन रीजन नहीं होता है और टीम द्वारा भी इतनी ही इनकम पाई जाती है तो जो आपका स्टेटस है वो अप्रूव हो जाएगा। और दोस्तों अप्रूव होते ही कुछ दिन में आपका जो राशन कार्ड है वो भी जारी हो जाएगा। और दोस्तों जैसे ही राशन कार्ड जारी होने होते हैं या जो रिक्वेस्ट है अप्रूव होनी शुरू होती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये स्टेटस दिख रहा है तो आप चिंता छोड़ दीजिए, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आपकी जो ग्रीवेंस है वो कुछ दिन में अप्रूव हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी आपको देनी थी। अगर जानकारी में आपको कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों अभी तक अगर आपने शिकायत नहीं लगाई है तो शिकायत आप कैसे लगा सकते हैं, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहले नंबर पर मिल जाएगा। और दोस्तों आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो स्टेटस चेक कैसे कर सकते हैं अगर आपने शिकायत लगा रखी है तो उस वीडियो का लिंक भी आपको दूसरे नंबर पर मिल जाएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको परिवार पहचान पत्र के ग्रीवेंस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक भी आपको मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप सीधे इस पेज पर आकर अपनी शिकायत का स्टेटस खुद ही चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।